हेलो तो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दीपक धानु ब्लॉग। आज का ब्लॉग करता हूँ मैं सुबह 9 बजे से स्टार्ट। सो तो गाइस आज मैं आया हूँ, क्या बोलते हैं, पहाड़ों पे बोले तो जहाँ घास वास काटा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फगला, बोलते हैं नेपाली में, हिंदी में क्या बोलते हैं इतना मालूम नहीं, चलो कोई बात नहीं। आया हूँ तो सो गाइस मैं देखते हैं अभी क्या दिखाता हूँ मैं आपको। जो यहाँ का जंगली फल मिलता है जो गल काकड़ा भी बोलते हैं, देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू कितना मस्त आया है। दिखाता हूँ जो आपको दिखाना चाह रहा था, ये जो जंगली फल है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो पहले उसका पेल दिखाना, फिर फल दिखाएंगे कैसा कैसे लगा रहता है। चलो तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, बेल नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये इसका बेल इसमें छोटा लगा हुआ भी है। ऊपर ऊपर जाऊंगा तो ये बड़ा है वाला, जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं, उससे भी बड़ा मिला है वो देख सकते। कुछ इस तरफ से इसका बेल रहता है, एक ही बेल में 25-30 लगा रहता है ऐसे उसका बेल है। और भी है इधर का भी है, उधर भी है, उधर का भी देखता हूँ मैं, फिर इसको टीप के ये देख ही सकते हो। पाकने के बाद तो और अच्छा लगता है। दो फल ले लिया मैं, टीप के देख सकते हो, दो यहाँ से भी ले लेता हूँ। चार हो गया, और तो इधर छोटे छोटे है ना, इसको अगले दिन खाएंगे, बहुत है छोटे छोटे। चल कुछ गैस में अभी ऊपर जा रहा हूँ, कितना मिलता है देखते। यहाँ पे भी है बेल तो, यहाँ पे नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके देखता हूँ। एक बात तो है गैस, इस फल को किसी ने लगाया ही नहीं, किसी ने मतलब मैं खाऊंगा करके लगाया नहीं, खुद को खुद उग के मतलब प्राकृतिक क्या बोलते हैं उसी खुद ही उगता है ना, खुद ही उग के खुद ही फल देता है। पकने के बाद तो और मस्त लगता है, लेकिन मैं चार फल लिया था, ले लिया मिला था बड़ा बड़ा, जो वो भी एक गिर गया, पता नहीं पॉकेट में छेद था, अभी डेली नहीं मिला उसका, तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, थोड़ा खेत भी खोदना है। उसमें क्या मम्मी बोल रहे थे सब्जी लगाना क्या क्या, चलो चलते आगे। तो गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पंछी जो कि उड़ सकता है, मोबाइल ज्यादा हिलाऊंगा तो, चलो देखते हैं। तो गाइस फिर से मैं घर पहुँच के फिर रिटर्न जा रहा हूँ, घर में मम्मी भी नहीं है, मम्मी माल पहुँचाने गए खेत में, वो उधर खेत में देख लीजिए, चलता खेत भी खुद दिन में आता है, दिल भी खेत खोदने का दिल भी नहीं कर रहा है, तो एनर्जी नहीं है, क्या हो गया मुझे भी नहीं पता। चलते हैं नीचे, नीचे भी जाने का दिल नहीं कर रहा, क्या करूँ, मम्मी भी आ गया। सो तो गाइस फाइनली काफल भी मिल रहा है, अभी शायद इस साल का लास्ट काफल ही होगा मेरे ख्याल से, इस साल का लास्ट ही हो सकता है, इसके बाद ना भी मिल सकता है, क्योंकि हाँ फल पूरा फिनिश हो। सोते गए इस साल के मुझे लास्ट का फल खा के पेड़ से इधर आ चुका हूँ, पेड़ से किया गया बिता रहा मैं मामा के घर की ओर, चलो मामा के घर चलते अभी। इसका मौसम देख सकते हो, कुछ पूरा धुंधला धुंधला काम, धूप तो दिखा ही नहीं दे रहा है, देख सकते हो एक भी मौसम साफ नहीं है। मैं आपको एक फल दिखा रहा हूँ, और बड़ा तो नहीं हुआ है, छोटा छोटा वो रखे, ये देख सकते हो इसका फल है, नहीं दिख रहा है, हाँ ये वाला इसका फल है, जो कि ये पकने के बाद मस्त होता है खाने में,
खट्टा खट्टा सा पकेगा तो और मीठा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो तो गाइस फाइनली पुलुम खाने पहुंच गए, देख सकते हो पुलुम मस्त पका हुआ है। पुलुम में नीचे गिराया था ये। लेकिन ये वाला ना पका नहीं है, कच्चा ही है। तो गाइस फाइनली पुलुम सुलुम इतना ज़्यादा खा चुके हैं, बहुत ज़्यादा है, पक भी रखा था, जितना पका था सब गिरा के खाया है, शायद एक दो दाना बचा होगा तो वो अभी भी पुलुम ही खा रहा है। सुबह गाइस यहाँ पे देख सकते हो दाड़िम भी है, काफ़ी सारा फूल फूल रखे, एक दो दाना तो आया है। कब होने वाला है कि वो हाँ दाड़ी में कब होने भला होने हट सला चुतिया खाली होना है। सुबह गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आरू का गुड़ दिखा आपने, आरू का गुड़ मैं आपका आरू का गुड़ दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं आरू का गू, चुईगम आरू का गू हैप्पी, देख सकते हैं आरू का गू बोलते हैं इसको। इधर से किया है पोटी आरू का गान ये देख सकते हैं। एक खास बात है यहीं पे गुलाब का फूल भी है, देख सकते। मैं अभी जा रहा हूँ दुल्ला टी पर, मुझे पता नहीं है दुल्ला लेके आया है, सो तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको दुल्ला। अभी बच चुका है दिन का दो, अभी खा रहे हम लोग खाना, नानी ने बनाया अभी खाना, देखते क्या बनाया है, खाते खाना। इधर है दाल और चावल, कोई बात नहीं खा लेते। तो गाइस खाना खा के अभी आया हमें धूप सेकने, सब लोग अंदर खाना ही खा रहे, मैं तो फटाफट खा के आ गया। सो तो गाइस फाइनली अभी बच चुका है शाम का 6, हम लोग आए जंगल। जंगल किस लिए आए पता है, घर में फर्शी लग रहा है, फर्शी मतलब कद्दू, कद्दू के लिए ठकरा बोलते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, खम्बा, खम्बा लेने आए अभी, इधर से खम्बा शम्बा काट के फिर निकलते घर के लिए, चल चलो खम्बा काटने चलते। अभी है ना बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, टाइम भी ज़्यादा 7:30 हो गया, बारिश भी हो रहा है, हम लोग आम लेके जा रहे, मैंगो खा के 400-500 बना के खा के 250 का बिल बैठा के उधार खा के आए हम लोग। यही चल रहा है गाइस, बारिश देख सकते हो पूरा मोबाइल भीग रहा है, वाटर प्रूफ मोबाइल लिए, मोबाइल खराब हो गया तो दोबारा ब्लॉग भी नहीं बना पाऊंगा। तुम दे दो गाइस हमको, हम एक आईफोन भी नहीं किन सकते हो यार, सपोर्ट करो यार गाइस, क्या है चलो आईफोन आगे बढ़ते, बारिश भी काफी तेज हो रहा है, मजा भी काफी तेज हो रहा है। गाइस ये लोग पागल हो चुके हैं, एक ब्रेक उसका उसका तो ब्रेकअप हो गया है, वो भाग रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया, ये पागल हो गया, तीनों का तीन नंबर साला, एक झटके में ब्लॉग हो गया, क्या बताऊं लड़कियों में कभी भरोसा मत करना गाइस। सो तो आज का ब्लॉग करते हैं पर इन ब्रेकअप पार्टी करते हुए, थैंक यू फॉर वाचिंग, ओ हेलो बाय, हेलो ब्रो।